हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी लोगों का स्टडी आईक्यू पर। स्टडी आईक्यू के साथ आप लोग जुड़ चुके हैं। मैं शुभम सरधालिया एक और विषय पे, एक और टॉपिक पे बात करने के लिए आ गया हूं। दोस्तों, आप चाहें तो इंस्टाग्राम, फेसबुक या टेलीग्राम के माध्यम से मेरे साथ कनेक्ट कर सकते हैं। कोई भी आपका डाउट है, कोई आपकी क्वेरी है, आप यहां मुझसे पूछ सकते हैं। जिस विषय पे हम बात करने वाले हैं वो संबंधित है जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश से। तो केंद्र शासित प्रदेश बनने के बाद जम्मू कश्मीर में विदेशी निवेश को बढ़ावा देने के लिए पहली एफडीआई पॉलिसी को मंजूरी जो है वो माननीय उपराज्यपाल महोदय और उनकी एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा दे दी गई है। जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट अप्रूव्स फर्स्ट एवर एफडीआई पॉलिसी फॉर यूनियन टेरिटरी। जम्मू कश्मीर के अंदर किसी भी एग्जाम के लिए आप प्रिपेयर कर रहे हैं, चाहे पब्लिक सर्विस कमीशन हो, जुडिशियरी हो, सब इंस्पेक्टर एग्जाम हो, इन सभी के लिए बेहतरीन स्मार्ट कोर्सेज studyiq.com या studyiq की ऐप पर मौजूद है। इन कोर्सेज की मदद से आप अपनी एग्जाम प्रिपरेशन को बहुत बेहतर बना पाएंगे। किसी भी कोर्स में आप एनरोल करते हैं, ये कोड SHUBH33, इस कोड का जरूर इस्तेमाल कीजिएगा। इस कोड की मदद से आप मैसिव डिस्काउंट्स जो है वो सभी कोर्सेज पे प्राप्त कर पाएंगे। तो अपने आप की पहली एफडीआई पॉलिसी को जम्मू कश्मीर में मंजूरी मिल गई है। ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर्स एडमिनिस्ट्रेशन रिसेंटली अप्रूव्ड दी पॉलिसी ऑन एफडीआई फॉर जम्मू एंड कश्मीर। एफडीआई क्या होता है? जब विदेश से कोई डायरेक्टली निवेश करता है, फॉरेन एंटिटीज जब हिंदुस्तान में कोई बिजनेस सेट करती है जिसको वो डायरेक्टली कंट्रोल कर सकती है, वो एफडीआई जो है वो कहलाता है। तो 51% की मिनिमम फॉरेन स्टेक्स के साथ में एफडीआई जो है वो मंजूर की गई है जम्मू कश्मीर के लिए। इसको जो है वो हाल ही में मंजूरी एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा दी गई है। इस पूरे के पूरे अप्रूवल की जो मीटिंग थी उसमें एडमिनिस्ट्रेटिव काउंसिल जम्मू कश्मीर की जो है उन्होंने अपनी नोट जो है वो दे दी है। फॉर द पॉलिसी फॉर प्रमोशन ऑफ फॉरेन इन्वेस्टमेंट, विदेशी निवेश को बढ़ावा देना है। अब अनडाउटेडली अगर फॉरेन इन्वेस्टमेंट किसी भी एरिया में होता है तो उससे उस एरिया में इकोनॉमिक डेवलपमेंट होती है, वहां पर रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे, इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट होगा, वहां पर जो काम होगा उससे टैक्स बेनिफिट्स और सरकार को अन्य लाभ जो है वो मिल पाएंगे। तो अनडाउटेडली विन विन सिचुएशन रहती है किसी भी एरिया के लिए अगर वहां पर फॉरन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आती है। तो उसको फैसिलिटेट करना जो है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इन्वेस्टमेंट वहीं आएगी जहां पर प्रोसेस जो है वो इजी होंगे। इस वजह से जम्मू कश्मीर में विदेशी निवेश को और ज्यादा अट्रैक्टिव बनाने के लिए ये पूरी की पूरी नीति जो है वो लाई गई है। इससे इंडस्ट्रियल सेक्टर जो है उसको काफी ज्यादा बूस्ट मिलेगा। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट क्या है इसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। अप्रूवल की जरूरत थी सो दैट जितनी भी विदेशी निवेश है जम्मू कश्मीर के अंदर वो इजीली आ सके। आप जानते हैं जब जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा हटा करके केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया तो उस समय सबसे पहली बात जो इस पूरे के पूरे मूव को सपोर्ट करने के लिए कही गई थी वो यही थी कि इससे जम्मू कश्मीर के अंदर देश और दुनिया से इन्वेस्टमेंट जो है वो आ पाएगा, जिससे आर्थिक विकास इस पूरे के पूरे इलाके का होगा। तो उसको अब रियलिटी बनाना था, जिस वजह से ऐसी पॉलिसीज की जरूरत थी। तो जम्मू कश्मीर की नई इंडस्ट्रियल पॉलिसी जो है इट इज इन लाइन विद द एफडीआई गाइडलाइंस इश्यूड बाय आरबीआई। केंद्रीय रिजर्व बैंक जो है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है वो एफडीआई को लेकर के गाइडलाइंस जो है वो इशू करता है समय समय पर। तो जो मोस्ट रिसेंट गाइडलाइंस है एसबीआई की उसके साथ इन लाइन में ये एफडीआई जो है ये अपना एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फुलफिल करेगा। इसके अलावा डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड DPIIT द्वारा ये पूरी की पूरी एफडीआई पॉलिसी जो है इसको ओवरलुक किया जाएगा एंड इट विल बी वैलिड फॉर नेक्स्ट 10 ईयर्स। अगले 10 साल तक ये पॉलिसी जो है वो वैलिड रहेगी। यहां पर मेन जो कंपोनेंट है इस पॉलिसी का वो कहता है कि कोई भी इन्वेस्टमेंट 100 करोड़ रुपए तक की अगर है तो उसमें कम से कम 51% स्टेक्स जो है वो ओनर्स को दिए जाएंगे या इन्वेस्टर्स को दिए जाएंगे। 10 साल तक ये पॉलिसी जो है वो इंप्लीमेंट रहेगी। यूटी के अंदर इससे काफी ज्यादा फॉरेन इन्वेस्टमेंट आ सकती है और बहुत ज्यादा जॉब्स और इन्वेस्टमेंट जो है ये जनरेट करेगा। पॉलिसी जो है इसके तहत सबसे पहले तो पार्सल्स ऑफ लैंड आइडेंटिफाई होंगे इन इंडस्ट्रियल स्टेट्स। जम्मू कश्मीर के अंदर अलग अलग रीजन्स में इंडस्ट्रियल स्टेट्स जो है वो मौजूद है। यहां पर पार्सल्स ऑफ लैंड जो है वो आइडेंटिफाई किए जाएंगे जो एक्सक्लूसिवली सिर्फ और सिर्फ फॉरेन इन्वेस्टमेंट के लिए दिए जाएंगे। यानी कि सभी बड़े इंडस्ट्रियल स्टेट्स में कुछ एरियाज को ईयरमार्क किया जाएगा जिनका उपयोग सिर्फ और सिर्फ उस सिचुएशन में होगा जब फॉरेन इन्वेस्टमेंट वहां पर आकर के कोई कंस्ट्रक्शन करना चाहती है। इसमें वर्टिकल राइज प्रीमाइसेस बनेंगे, द मल्टीपर्पज बिल्डिंग कॉम्प्लेक्सेस बनेंगे जिसमें प्लग एंड प्ले फैसिलिटी होगी। प्लग एंड प्ले फैसिलिटी यानी कि इंफ्रास्ट्रक्चर इस तरीके का होगा, अगर कोई विदेश से आकर के वहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करता है और कोई कॉर्पोरेट कंपनी वहां आकर के काम करना चाहती है तो उनको सारा का सारा इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो रेडी मिलेगा। सिर्फ और सिर्फ अपनी डिवाइसेस को लाकर के वहां प्लग करना है और पूरा का पूरा काम जो है वो शुरू किया जा सकता है। यानी कि रेडी टू यूज इंफ्रास्ट्रक्चर इसके तहत क्रिएट किया जाएगा। गवर्नमेंट ने इसके लिए लैंड अलॉटमेंट प्रोसेस जो है उसको भी रेगुलेट किया और इट विल बी रेगुलेटेड बाय जम्मू एंड कश्मीर इंडस्ट्रियल लैंड अलॉटमेंट पॉलिसी 2021-2030।
10 साल के लिए एक लैंड अलॉटमेंट पॉलिसी जो है वो कुछ समय पहले सरकार द्वारा लाई गई थी। इस पॉलिसी के तहत ही जमीन जो है वो एलोकेट की जाएगी इन सभी फॉरेन इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट्स को। उद्देश्य ये भी है कि यहां पर मल्टी फंक्शनल कॉम्प्लेक्सेस बनाए जाएंगे फॉरेन इन्वेस्टमेंट के साथ। आईटी टावर प्रोजेक्ट बनेगा, आईटी टावर जहां पर जो आईटी कंपनीज हैं, आईटी सेक्टर से रिलेटेड कंपनीज हैं, वो आकर के अपने ऑफिसेज जो है वो सेट कर सकती है। इसके लिए दो जगह आइडेंटिफाई की गई हैं, पामपोर और एग्जीबिशन ग्राउंड जम्मू। यहां पर ये आईटी प्रोजेक्ट्स जो है वो बनाए जाएंगे, यहां पर ऑफिस फैसिलिटीज मौजूद होंगी। इन ऑफिस फैसिलिटीज को कोई भी कंपनी जो जम्मू कश्मीर में आकर के ऑपरेट करना चाहते हैं वो अवेल कर सकेंगे। गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर जो है दे हैव ऑलरेडी अप्रूव्ड द ट्रांसफर ऑफ अप्रोक्सीमेटली 290 एकड़ की जमीन जो है 7 गांव में उसको ट्रांसफर करने को मंजूरी दे दी गई है। बड़गाम और श्रीनगर जिले में हाउसिंग कॉम्प्लेक्सेस बनाए जाएंगे 17 जगहों पर। 290 एकड़ जमीन जो है 7 गांव से लेकर के वो बड़गाम और श्रीनगर जिले में ट्रांसफर के लिए अप्रूव कर दी गई है। इस जगह पे हाउसिंग कॉम्प्लेक्सेस बनेंगे फॉर फॉरेन इन्वेस्टमेंट। अब अनडाउटेडली अगर फॉरेन इन्वेस्टमेंट आएगी तो उसके साथ में कुछ फॉरेन के लोग भी यहां पर आएंगे जो उस इन्वेस्टमेंट को इंप्लीमेंट करेंगे, या फिर उस इन्वेस्टमेंट में जो लोग काम करेंगे उनके रहने के लिए हाउसिंग कॉम्प्लेक्सेस आदि की जरूरत होगी, तो उसका भी प्रावधान इसके पॉलिसी के साथ साथ रखा गया है। ये मूव जो है इट हैज कम अ शॉर्ट आफ्टर जब जम्मू कश्मीर के माननीय उपराज्यपाल महोदय कुछ समय पहले दुबई गए थे, जहां पर करीब 44,000 करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट जो है वो जम्मू कश्मीर में की जाएगी, ऐसा तय हुआ था। माननीय उपराज्यपाल महोदय अपने एडमिनिस्ट्रेशन के साथ कुछ समय पहले दुबई गए थे, जहां पे दुबई के जो बड़े ग्रुप्स हैं उन्होंने जम्मू कश्मीर के अंदर बड़े निवेश का वादा जो है वो किया था। दुबई पोर्ट्स जायंट डीपी वर्ल्ड जो है, दुबई की एक शिपिंग कंपनी डीपी वर्ल्ड है, दे आर प्लानिंग टू बिल्ड एन इनलैंड पोर्ट इन जेएंडके। इनलैंड पोर्ट यानी के जो रिवर्स के थ्रू जहां पर ट्रेवल जो है वो किया जाए या गुड्स को ले जाया जा सके, जिस तरीके से देश के अंदर नेशनल वाटरवे प्रोजेक्ट इंप्लीमेंट किया जा रहा है, उसी दिशा में जम्मू कश्मीर के अंदर एक इनलैंड पोर्ट बनाया जाएगा, जहां से केंद्र शासित प्रदेश से बनने वाले सारे के सारे प्रोडक्ट्स जो है उनको बाहर की मार्केट्स तक पहुंचाया जाएगा। तो ये उसमें एक इंपॉर्टेंट कॉम्पोनेंट था। इसी के साथ में करीब 3,000 करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट जो है इट हैज टू कम फ्रॉम इंडस्ट्रियल जायंट्स ऑफ दुबई सच एज एमआर एंड अलमाया ग्रुप। एमआर और अलमाया ग्रुप जो है ये बहुत बड़े इंडस्ट्रियल जायंट्स हैं, विच आर इनटू द सेक्टर्स ऑफ हॉस्पिटैलिटी, टूरिज्म एंड रियल एस्टेट। दुबई के अंदर काफी बड़े बड़े रेजिडेंशियल और हॉस्पिटैलिटी प्रोजेक्ट्स इन ग्रुप्स द्वारा बनाए गए हैं। करीब 3,000 करोड़ रुपए का निवेश जो है ये जम्मू कश्मीर में करेंगे, क्योंकि दी ह्यूज इन्वेस्टमेंट अराइवल इन जेएंडके वाज ऑन द कार्ड्स। इस वजह से इन द निक ऑफ टाइम एक एफडीआई पॉलिसी को लाना जरूरी था, सो दैट इस पूरे के पूरे इशू पे और ज्यादा क्लैरिटी जो है वो आ सके। तो वही जो है वो जम्मू कश्मीर के एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा किया गया है। यूएई की जो पॉइनरिंग फाइनेंशियल सर्विस कंपनी है जिसका नाम सेंचुरी फाइनेंशियल है, इज लाइकली टू इन्वेस्ट $100 मिलियन इन जेएंडके ऑन 3 होटल्स एंड 1 कमर्शियल कम रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स। तो यूएई की एक पॉइनरिंग फाइनेंशियल सर्विस कंपनी है जिसका नाम सेंचुरी फाइनेंशियल है, करीब $100 मिलियन की इन्वेस्टमेंट जो है वो जम्मू कश्मीर में करने वाला है। 3 होटल्स बनाए जाएंगे, 1 कमर्शियल कम रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स होगा, यानी ओवरऑल एक बड़े पैमाने पे निवेश जो है वो जम्मू कश्मीर के अंदर आने वाले समय में जो है वो होने वाला है। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को बूस्ट करने के लिए ये पॉलिसी जो है वो लाई गई है। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की हम बात करें, फॉरेन डायरेक्ट और इन्वेस्टमेंट 3 शब्द हैं। फॉरेन यानी के विदेश से सीधे तौर पर जब इन्वेस्ट किया जाएगा, सीधे तौर पर यानी कि अगर जो पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है, जो ओनर है, वो विदेश के भी है, तब भी वो भारत में आकर के कोई बिजनेस सेट कर सकते हैं, उसको कंट्रोल कर सकते हैं, उसको एफडीआई कहा जाता है। इट इज अ प्रोसेस वेयर रेजिडेंट ऑफ 1 कंट्री विच इज नोन एज होम कंट्री कैन एक्वायर ओनरशिप ऑफ द असेट्स फॉर द पर्पज ऑफ कंट्रोलिंग प्रोड्यूसिंग एंड डिस्ट्रीब्यूटिंग एक्टिविटीज इन अदर कंट्री, दिस इज नोन एज एफडीआई। एक देश से दूसरे देश में जाकर के असेट्स को ओन करना, वहां पर प्रोडक्शन करना, उसको डिस्ट्रीब्यूट करना, सेल करना और पूरे के पूरे बिजनेस को ओन करना, इसको एफडीआई जो है वो कहा जाता है। यहां पर किसी एक देश का व्यक्ति अगर दूसरे देश में जाके निवेश करता है, बिजनेस शुरू करता है और बिजनेस को कंट्रोल करता है, ये जो है एफडीआई कहलाता है। ये ज्यादातर किया जाता है उन कंपनीज के द्वारा जो अपनी होम कंट्री में काफी अच्छे से काम कर रहे होते हैं और वो दूसरे देश में एक्सपेंड करना चाहते हैं।
ये एफडीआई जो है इट इज डिफरेंट फ्रॉम एफपीआई, विदेश से आने वाला निवेश जो है वो फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट भी कहलाता है, लेकिन इसके बीच में एक बेसिक डिफरेंस है। एफडीआई जो है ये डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है, यहां पर अगर विदेश से बिजनेस सेट होगा तो विदेशी उसको आकर के कंट्रोल कर सकते हैं, उसकी ओनरशिप को वो ओन करते हैं। लेकिन एफपीआई के केस में जो विदेशी नागरिक है वो मेयरली स्टॉक्स या बॉन्ड्स जो है वो परचेज कर सकते हैं। अगर स्टॉक्स और बॉन्ड्स वो परचेज करते हैं किसी प्रकार की कंट्रोल वो बिजनेस पे एक्सरसाइज नहीं कर पाएंगे। अगर आपने भी कभी बॉन्ड्स या स्टॉक्स जो है वो होल्ड किए हैं तो आपके बॉन्ड या स्टॉक होल्ड करने से कोई बिजनेस के ऊपर कंट्रोल आप नहीं कर सकते। ऐसा नहीं है कि आप किसी कंपनी के पास जाए, आप टाटा के पास जाएंगे, सर मेरे पास टाटा के इतने के शेयर है तो कल से इस कंपनी में काम जो है वो मेरे तरीके से होगा। यहां पर किसी प्रकार का कंट्रोल आप एक्सरसाइज नहीं करते हैं, इवन दो यू ओन सर्टन शेयर ऑफ द कंपनीज वर्थ। तो यही चीज जो है, यही बेसिक डिफरेंस है फॉरन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट और फॉरन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट में। डायरेक्ट में सीधे तौर पर निवेश किया जाएगा, जबकि पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट में सिर्फ और स्टॉक्स और बॉन्ड्स के कैटेगरी में जो है वो डील किया जाता है। यहां पे इन्वेस्टर जो है वो किसी प्रकार का कंट्रोल एक्सरसाइज नहीं कर सकता। आई होप हमको विस्तार से ये पूरा का पूरा आर्टिकल समझ में आया होगा। जम्मू कश्मीर के अंदर बड़े निवेश जो है वो होने वाले हैं, विदेश से वो निवेश आएंगे और उस निवेश को फर्दर फैसिलिटेट करने के लिए ये पॉलिसी जो है इसको अप्रूव लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब द्वारा किया गया है। जम्मू कश्मीर के अंदर किसी भी एग्जाम के लिए आप प्रिपेयर कर रहे हैं, स्टडी आईक्यू के बेहतरीन कोर्सेज आप प्राप्त कर सकते हैं। किसी भी कोर्स में आप एनरोल करते हैं ये कोड शुभ 33 का इस्तेमाल जरूर कीजिएगा। इस कोड की मदद से आप मैसिव डिस्काउंट्स प्राप्त कर पाएंगे। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट, कीप वर्किंग हार्ड, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।